तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे राइट या लेफ्ट साइड पे कहीं पर तो आपको एक स्टोरी का स्क्रीनशॉट दिखेगा। तो इस टाइप की एक स्टोरी है जो इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो अगर आपको भी इस टाइप का स्टोरी बनाना होगा तो उसे आप कैसे बना सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते और ट्यूटोरियल को शुरुआत कर देते। आपको भी ये एड एनी पिक हेयर वाली ट्रेंडिंग स्टोरी बनानी होगी तो सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल पे जो प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है इंस्टाग्राम का कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह आया है कि नहीं। अगर अपडेट आया होगा तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को अपडेट करना है, अगर नहीं आया होगा तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के नीचे आपको एक सर्च का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर आपको एक सर्च का बार दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आपको टाइप करना है इंस्टा ट्रेंड्स। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर ये जो चैनल है ये आपको शो हो जाएगा। तो इस चैनल के ऊपर आपको चले जाना है। अगर इंस्टा ट्रेंड्स टाइप करने के बाद यहाँ पर चैनल आपको शो नहीं हुआ तो इस चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस चैनल को विजिट कर सकते हो। तो चैनल के ऊपर चले जाने के बाद आपको नीचे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हाइलाइट्स दिखेगी। तो इसमें एक हाइलाइट आपको दिखेगी स्टोरी ट्रेंड्स करके, तो इसके ऊपर आपको चले जाना है। इसके ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक स्टोरी दिखेगी फोर्थ नंबर पे, एड एनी पिक हियर। तो यहाँ पर ये जो स्टिकर है उसके नीचे आपको एक एड यूअर्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो एड यूअर्स के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको ये जो स्क्रीन है इसे ऊपर की साइड पे इस तरीके से स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने के बाद ऊपर आपको एक गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, तो गैलरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से आपको कोई भी एक रैंडम सा फोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पर आपको इस स्टोरी के थ्रू अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और कुछ इस तरीके से ये वाला फोटो सिलेक्ट करूँगा। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फोटो की साइज आप कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर ये जो स्टिकर है इसको भी आप ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर सकते हो। इसका जो अगर साइज बढ़ाना होगा तो दो उंगलियों की मदद से आप इसका भी साइज इस तरीके से बढ़ा सकते हो। इतना हो जाने के बाद स्क्रीन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपको एक यूअर स्टोरी का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो स्टोरी आपने बनाई हुई थी ये आपके जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर पोस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग स्टोरी है इसे आप बना सकते हो। और ऐसे ही नए नए स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को भी यहाँ पर फॉलो कर देना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।